कानून के रक्षकों की बदमिजाजी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित की शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस वाले चोरी के केस में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। जब पीड़ित ने उनसे पूछा कि वह मामले पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, तो पुलिस कर्मियों ने उल्टा पीड़ित पर ही चोरी का इल्जाम लगा दिया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिस वजह से पीड़ित और उनकी पत्नी ने आहत होकर जहर खा लिया। इलाज के दौरान पीड़ित पत्नी की मौत हो गई। वह पीड़ित की हालत भी काफी नाजुक बताई जा रही है। पीड़ित के परिजनों ने दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग भी की है। कटनी में सुखदेव चौधरी नाम के व्यक्ति के घर 40,000 रुपए के माल की चोरी हो गई थी। चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन शिकायतकर्ता की बार बार विनती करने पर पुलिस प्रशासन इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। एक बार फिर शिकायतकर्ता सुखदेव थाने पहुंचा और उसने पुलिस से कार्रवाई के बारे में पूछा। पुलिस वालों ने उल्टा जवाब देते हुए उसे ही चोर बता दिया और कहा कि तुमने ही चोरी की है और दूसरे को फंसा रहे हो। साथ ही पुलिस वालों ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया। पुलिस की बदमिजाजी की वजह से सुखदेव बहुत दुखी हुआ और उसने थाने में ही कह दिया था कि वो चोर नहीं है। ऐसा आरोप लगने से पहले अच्छा है वो जहर खाकर मर जाए। उसके बाद सुखदेव घर आया और उसने जहर खा लिया। सुखदेव की ऐसी हालत देखकर उसकी पत्नी पगुनिया बाई ने भी जहर खा लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सुखदेव की पत्नी ने दम तोड़ दिया। सुखदेव की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। अब इस घटना के बाद से पीड़ित के परिजनों और समाज के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। समाज के लोगों ने उचित कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी सहित न्याय संगत कार्रवाई की मांग की है। पुलिस पर परिजनों ने प्रताड़ना के आरोप भी लगाए हैं। हमारे घर में 21 मार्च को चोरी हुई थी, जिसके कारण हम रात ही में हमारे बाबूजी रिपोर्ट तुरंत दर्ज करवाए, फिर दूसरे दिन भी गए, कुछ सुनवाई ही नहीं हुई। कई बार हम 21 मार्च के बाद कम से कम 10 बार थाना जा चुके, कोई कार्यवाही नहीं हुई। जन सुनवाई में भी दिए आवेदन, SP के यहाँ भी दिए, 181 में भी दिए, कुछ नहीं हुआ। और बोलते हैं क्या कुछ नहीं हुआ, चोरी कुछ नहीं गया। अब कल फिर हमारे ससुर जी जब गए तो बोलते हैं तुमने तो खुद चोरी की है अपने घर की, और तुम खुद चोर हो, तुम खुद चोरी किए हो। ये उधर थाना बड़वारा में जो स्टाफ था, स्टाफ की पुलिस, उन्हीं ने बोला कि आप खुद चोर हो, कि आप हमको न्याय दिलवाइए। तो बोलते हैं, तो उनने कुछ नहीं बोला, बोले नहीं तुम ही चोरी किए हो। और तो फिर हमारे बाबूजी बोले भी हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, अगर आपका कहना ये है तो ठीक है, मैं आज जा रहा हूँ घर, अभी जहर खा लूंगा, घर वालों को भी सबको खिला दूंगा। पीड़ित के परिजनों का कहना है कि पुलिस थाने में ही सही जवाब नहीं देती है, उल्टा शिकायत करने वाले को ही धमका देती है और उसके साथ मारपीट तक करती है। पुलिसकर्मी चाहते ही नहीं थे कि पीड़ित सुखदेव थाने आए और उसके केस में कार्रवाई हो। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन ने कहा कि संपूर्ण घटना की जानकारी एकत्रित कर उसकी जांच कराई जाएगी, जो भी इस मामले में दोषी होगा उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बड़वारा थाना के अंतर्गत बड़वारा का रहने वाला है। विगत 20 दिन पूर्व इनके घर पे चोरी हुई थी, इन्होंने जाके नामजद रिपोर्ट बताया, नाम बताए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं किया। बीच बीच में ये लोग जाते रहे थाने, लेकिन पुलिस के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने के कारण, बल्कि उल्टा इन लोगों को डांटने के कारण पुनः यह परिवार कल सुखीलाल चौधरी बड़वारा से गए हुए थे थाना। थाने पे जब इन्हें अपनी बात रखी कि हमारा सामान दिलवा दिया जाए, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, आप उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, पूछताछ नहीं कर रहे हैं, तो उनने जब वहाँ पे मौजूदा स्टाफ जो था उनने कहा कि तुम्हारे ऊपर ही केस लगा देंगे, तुमने ही चोरी किया है। तो इस बात से जो फरियादी थे वो घबरा गए सुखीलाल चौधरी, और डर के मारे वहाँ से निकल के और बोले मैं जाता हूँ परिवार सहित जहर खा लूंगा। तब भी पुलिस प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया और वो व्यक्ति आए और अपने घर में पत्नी सहित जहर खा लिए और पत्नी की उनकी मृत्यु हो गई और वे MGM अस्पताल में अभी भी इलाजरत है। मतलब जो आहत पक्ष है उनके द्वारा एक चोरी की शिकायत कुछ दिनों पहले की गई थी, जिसमें उन्होंने कुछ लोगों पर संदेह व्यक्त किया था कि उनके द्वारा चोरी की घटना उनके घर में कार्य की गई है। इसके पश्चात प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस ने जो संदेही थे उनको बुलाया, उनसे बातचीत की और लगातार उनसे पूछताछ की और विवेचनाधीन है ये पूरा प्रकरण। और कल ये जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि कल के डेट में जो है जो फरियादी पक्ष है उन्होंने जहर खाया है, पोजनस पदार्थ खाया है और आत्महत्या करने की कोशिश की है। और इस पूरे प्रकरण में जो है हम इसकी विधिसम्मत जो है जांच कराएंगे, वरिष्ठ अधिकारी से इसकी जांच कराएंगे और इसमें जो है दूध का दूध पानी का पानी करके इसमें जो भी व्यक्ति सम्मिलित है या किसी के द्वारा लापरवाही हुई है उसको दंडित करेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है।
इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।